नमस्कार, मैं शिखा मजुमदार, परदेश में मेरे इस देसी किचन में आपका स्वागत है। इस पैंडेमिक के टाइम पे 2400 घंटे बच्चे घर पर ही है। मम्मी पापा के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि उन्हें क्या बना के दिया जाए जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और झटपट बनाया जाए। आज मैं आपको एक मजेदार चीज बना के दिखा रही हूँ, केएफसी स्टाइल पॉपकॉर्न चिकन, जो बच्चों का बड़ा फेवरेट है। इस रेसिपी के लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेश चिकन ब्रेस्ट चाहिए। मैं आपको बता दूंगी इसको कैसे काटना है। इसके साथ ये 5 टाइप के मसाले चाहिए, काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी, और ये जरूरी 2 अंडे, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे है कॉर्नफ्लोर और थोड़ा मैदा, और ये ब्रेड क्रम्ब। इनमें आपको दिखा दे रही हूँ कैसे केएफसी का पॉपकॉर्न चिकन बनता है। आपको दिखाती हूँ इसको कैसे काटना है। इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। इसको ऐसे आप एक बार इसको कर लीजिए, फिर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े इसके निकालिए। ये छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ये इसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े निकालिए आप। ये पहले इन 5 मसालों को इन पे डालिए, ये लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च, ये नमक इसमें डाल दिया। इसके बाद एक अंडा इसमें डालेंगे। इसके बाद दूसरा अंडा, बाद कॉर्नफ्लोर और मैदा डालेंगे इसमें। बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें ब्रेड क्रम्ब के कोट्स लगा के रेडी करना है। इसको मैं एक बड़े प्लेट में डाल ले रही हूं। और इसमें मैं इनको, आप एक साथ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेड क्रम है, थोड़ा दूसरे टाइप का है। फ्राई के पहले ऐसा दिखेगा। अगर आप इसको ऑयल फ्री खाना चाहते हो तो आप एयर फ्रायर में भी इसको कर सकते हो। थोड़ा सा स्प्रे करके बिल्कुल सेम वैसा ही बन जाएगा। कढ़ाई में भी बनाना है तो इसमें तेल बहुत कम देना होता है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कितना तेल देना है। बस इतने से तेल में हमारा फ्राई हो जाएगा। तेल गर्म हो गया है, मैं इसमें छोड़ रही हूँ एक एक करके। दो एक मिनट में ही आप इसको थोड़ा थोड़ा पलट दीजिए ऐसे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करें हम। और ये छोटे छोटे चिकन के पीस हैं, जल्दी हो जाता है। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर का वो है। My you're the greatest chef ever.